हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखा चौबे रेसिपी। तो आज हम एक बहुत ही हेल्दी डिश बनाएंगे, हरे मूंग का यानी कि ग्रीन मूंग का छोला, चाट, स्प्राउट, जो भी कहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनती है। तो आज हम मूंग की सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हरा मूंग है, इसको मैंने रात को भिगो लिया था, ओवरनाइट सोक कर लिया है। ये दो कटोरी मूंग है और यहाँ एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ी सी लहसुन और अदरक, दो हरी मिर्च और ये धनिया पत्ती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी होता है। मूंग के तो बहुत सारे फायदा होते हैं, सुबह सुबह हमें पता है कि प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ कुकर चढ़ा दिया है और इसमें दो स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और हाफ स्पून यहाँ साबुत जीरा डाल दिया। हमारा जीरा लाल हो गया है। अब मैं यहाँ चॉप ऑनियन, कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। और ये हमारा प्याज थोड़ा लाल हो गया है। अब मैंने यहाँ गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना लिया है कूट कर। आप चाहें तो आप चॉप करके भी यानी कि काट के डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ हाफ स्पून सॉल्ट डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हाफ स्पून से कम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा जीरा और काली मिर्च की पाउडर और मैंने दो यहाँ हरी मिर्च डाल लिया। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और आप चाहें तो इसको नहीं भी भूनेंगे, डायरेक्ट टमाटर डाल दीजिए। और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जी रेडी हो जाएगी और ये आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला है। आप हस्बैंड को या बच्चों को पराठे के साथ ऑफिस या स्कूल के लिए भी दे सकते हैं। अब मसाला हमारा थोड़ा फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें अपने मूंग डाल देती हूँ। छोटे वाले ग्लास से, एक ग्लास से कम पानी डाल दिया। अब इसको दो विसिल आने देंगे, कुकर बंद कर देते हैं। दो विसिल लग गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब अपने आप कुकर का प्रेशर निकलने का वेट कर रही हूँ। तो यह हमारा मूंग के छोले या मूंग के सब्जी रेडी हो गई। इसमें ऊपर से कच्चा प्याज, फिर थोड़ी सी टमाटर, हरी धनिया और थोड़ा समय हाँ मिक्सचर डालती हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं लेकिन मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और आई थिंक आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो ये देखिए, मैं टेस्ट करती हूँ। वाओ, बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही हेल्दी है। तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।